हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए चार ब्रेकआउट स्टॉक लेके आया हूँ जो आप कल कल यानी कि 13 अगस्त 2024 को अगर वो लेवल के आसपास वो स्टॉक मिलते हैं तो वो स्टॉक में अच्छी रैली आ सकती है। उससे पहले जो अपने संडे को जो स्विंग ट्रेड दिए थे उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो गाइज, उससे पहले कल संडे मॉर्निंग में मैंने आपको एक जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था उसमें क्लियर कट यहाँ पे आपको समझाया था कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा। और कल के लाइव में भी क्लियर कट समझा दिया था कि ये रिपोर्ट आई है लेकिन हिंडनबर्ग ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो अभी आप मार्केट में हो क्या रहा है, बाहर से ऐसी न्यूज़ें आ रही है कि मार्केट को गिराना चाहते हैं लेकिन मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रहा। और आज भी मैंने आपको फिर से वही मॉर्निंग में लिख दिया था कि जो भी कल लेवल दिए थे वो वैलिड लेवल है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ भी अपडेट होगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगी, वो आपको ध्यान में रखना है। तो अभी अपने पहला स्टॉक है जो कल दिया था डोडला डेयरी, जो बोला था 1182 के ऊपर अच्छी रैली आएगी, 1220 1225 का भी हाई मारा, रनिंग स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दिखाई। दूसरा स्टॉक था ई मुद्रा जो इनवैलिड हो गया। तो इनवैलिड का मतलब क्या होता है कि आपको मैं दो लेवल देता हूँ, ये समझो कि बाइंग लेवल है और ये स्टॉप लॉस लेवल है। अपना रूल्स क्या है गाइस, फिर से सुन लेना अगर नए जुड़े हो तो, आपको पता ना हो तो। इसके ऊपर स्टॉक अपने जब भी दो लेवल देते हैं उसके ऊपर स्टॉक इसके बीच में खुलना चाहिए, ओपन होना चाहिए। उसके बाद अगर स्टॉक ऊपर का लेवल पहले ब्रेकआउट देता है तब अपना कॉल एक्टिव होगा। अगर दोनों के बीच में ओपन होकर नीचे का लेवल पहले आ जाता है, समझो कि नीचे का लेवल, तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। जैसे कि आज कोटक बैंक में क्या हुआ, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कोटक बैंक का समझो कि अपने 1787 के आसपास बाइंग था और 1760 का आपका स्टॉप लॉस था। तो कोटक बैंक आज देखोगे तो 1761 के आसपास ओपन हुआ, उसके बाद स्टॉक नीचे गया और नीचे कहाँ तक गया, स्टॉक 1751 तक गया, उसके बाद स्टॉक फिर से ऊपर जाके 1791 का हाई मारा। तो ये लेवल के ऊपर भी यहाँ पे स्टॉक चला गया, लेकिन पहले कहाँ गया था, नीचे की साइड गया था। तो यह पूरा अपना इनवैलिड सेटअप हो जाता है। उसके बाद अगर स्टॉक ऊपर भी जाता है तो भी स्टॉक को देखना नहीं है, बहुत बार मैं बोल चुका हूँ तो भी फिर से आपको समझा दिया। तो लिखिता में क्या होगा, स्टॉप लॉस लेवल के नीचे पहले जो चला गया इनवैलिड हो गया, एसीसी ने भी देखोगे तो स्टॉप लॉस लेवल के नीचे चला गया, वो भी इनवैलिड, और कोटक बैंक में भी इनवैलिड हो गया। तो डोडला डेयरी एक ऐसा स्टॉक है जो एक्टिव हुआ था इसलिए रनिंग लिखा हुआ है। तो अभी अपने चलेंगे चार स्टॉक जो कल अच्छी रैली दिखा सकते हैं, उसमें पहले स्टॉक का नाम रहेगा डाबर। डाबर में क्या हो सकता है वो अपने देखते हैं। और गाइस, वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसा सेक्टर भी बताऊंगा जो अभी तक टीवी में नहीं आया लेकिन अभी फिर से, मतलब टीवी में आता रहता है लेकिन अभी पिछले 10-12 दिन से वो टीवी में वो सेक्टर की बात नहीं हो रही, लेकिन अभी मे भी कल से वो सेक्टर की बात टीवी में होने लगेगी क्योंकि वहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। सेक्टर में अच्छे खासे स्टॉक पीटे हुए हैं तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो वीडियो पूरा देखना, वो सेक्टर भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा सेक्टर है। तो डाबर में क्या हो सकता है, डेली चार्ट के ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे डेली चार्ट है, स्टॉक का नाम है डाबर। सिंपल एनालिसिस है, यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और यहाँ पे भी स्टॉक ने आज ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर क्लोज दिया है। तो यहाँ पे देखोगे तो लो कितना था 614 का, आज का लो कितना है 615 के आसपास। तो अपने 1 रुपीज के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस अपने ये चेंज करेंगे। अभी देखो मैंने आपको दो लेवल दे दिए, ए लेवल है 628 का और ए लेवल है 614 का। स्टॉक कल दोनों के बीच में ओपन होना चाहिए और ऊपर का लेवल पहले ब्रेकआउट देगा तभी अपना कॉल एक्टिव होगा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो 620 के अभी क्लोजिंग है, तो आपको करना क्या है, 628 के ऊपर जाता है तो स्टॉक में अच्छी रैली आएगी, 614 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 655 के टारगेट 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन वेट एंड वॉच करना है। उसके बाद 628 के ऊपर पहले जाता है तभी अपना कॉल एक्टिव होगा। तो अपना पहला स्टॉक हो गया डाबर जिसमें अच्छी रैली आ सकती है लेकिन वेट एंड वॉच करना है, उसके बाद आप पोजिशन बना सकते हो। अभी गाइज मैं आपको वो सेक्टर बताने जा रहा हूँ और वो सेक्टर में से एक स्टॉक बताने जा रहा हूँ जिसमें अच्छी रैली आ सकती है और टीवी में भी अभी तक नहीं आया, मतलब पिछले 10 दिन से, तो अभी आ सकता है। तो वो सेक्टर का नाम है निफ्टी मेटल। मेटल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, आप देखोगे तो कंसोलिडेशन में चल रहा था, यानी कि कंसोलिडेशन नहीं बोलेंगे, वैसे तो देखोगे पूरा सेक्टर ट्रेंडिंग ही है लेकिन यहाँ पे पुल बैक ले रहा था, यहाँ पे रिट्रेस किया और यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास मेटल सेक्टर वीकली चार्ट के ऊपर। तो यहाँ से भी देखोगे तो ऊपर की साइड अच्छी रैली आ सकती है। तो इस सेक्टर के जितने भी स्टॉक है उसमें आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं रिवर्सल के सिग्नल दिख रहे हैं। तो उसमें से अपने एक ये सेक्टर में से एक स्टॉक लेंगे जिसका नाम है सेल।
तो सेल में क्या हो सकता है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल में क्या हो सकता है, वो उसके पीछे का लॉजिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक का नाम देख सकते हो, डेली चार्ट के ऊपर अच्छा खासा पीटा हुआ स्टॉक है। यहाँ से गिरते गिरते नीचे आया था 125 तक, फिर से ऊपर गया, फिर से गिरते गिरते 127 का आज लो मारा है। लेकिन आज देखोगे तो यहाँ पे उसको 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो आपको ये दिख रही है वो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, और इस स्टॉक का स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन भी है, तो 200 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास से रिवर्सल आ सकता है स्टॉक में। और आज देखोगे तो स्पिनिंग टॉप जैसा भी बनाया हुआ है, लेकिन वेट एंड वॉच करना है। आज का हाई ब्रेक होता है कल तो कंफर्म हो जाएगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस वैसे 127 का आना चाहिए, लेकिन अपने ए वाला 125 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसने जो भी लो मारा था वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो आपको इसमें एंट्री कब करनी है, अभी 131 के आसपास है तो अभी कुछ नहीं करना, 133 के ऊपर पहले जाता है तो आप एंट्री कर सकते हो। 125 का आपका स्टॉप लॉस है, 154 के दिन, सॉरी 154 आपको 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन ये पूरा सेक्टर अच्छा रिवर्सल का सिग्नल दे रहा है। टाटा स्टील देखो, ये सेल देखो, जिंदाल स्टील देखो, तो सब में रिवर्सल आ रहा है, तो इसमें भी आ सकता है। तो 154 का लेवल एक 10 दिन में स्टॉक दिखा सकता है, आपको लेके बैठना पड़ेगा 10 दिन तक। 133 के ऊपर जाएगा कल पहले, तब इसमें आप पोजिशन बना सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 125। तो ये अपना दूसरा स्टॉक हो गया सेल, जिसमें अच्छी रैली आ सकती है। अभी गाइज मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक में क्या हो सकता है, यहाँ पे स्टॉक का नाम देख सकते हो, फिनो पेमेंट बैंक स्टॉक का नाम है। आवरली चार्ट नॉर्मली अपने आवरली चार्ट के ऊपर एनालिसिस नहीं करते, लेकिन इसमें मुझे सेटअप अच्छा लग रहा है इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और आज भी देखोगे तो स्टॉक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास आया, लेकिन उसका ये जो भी सप्लाई जोन था उसके नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। तो अगर स्टॉक को स्ट्रांग होना है तो ये सप्लाई जोन उसका अभी ये ऊपर का पहले उसका ये सपोर्ट का काम कर रहा है, नीचे आ गया तो अभी सप्लाई जोन, इसके ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी रैली आएगी और स्टॉक में रिवर्सल आ सकता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ADX की वैल्यू 25 के ऊपर है, विलियम्स आर की वैल्यू -80 के नीचे आई है। अगर किसी ने बाय ऑन डिप विथ ADX का वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, जाके देख सकते हो, बहुत अच्छा वीडियो है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये सेटअप से आपको पता चलेगा कि स्टॉक यहाँ तक गिर सकता है, इससे ऊपर जा सकता है। जैसे कि डोडला डेयरी में भी सेम सेटअप था, तो कितना अच्छी रैली आज स्टॉक ने दिखाई। तो ये आवरली चार्ट में आपको करना क्या, 354 चल रहा है, अभी कुछ नहीं करना, 359 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो अच्छी रैली आ सकती है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 351, 372 के टारगेट, 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन कब, 359 के ऊपर पहले जाना चाहिए। अभी देखोगे तो स्टॉप लॉस लेवल के नज़दीक क्लोज दिया है, तो अगर कल समझो कि स्टॉक 351 के नीचे पहले चला जाता है तो क्या हो जाएगा, अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो अपना चौथा तीसरा स्टॉक हो गया। अभी गाइज मैं आपको चौथा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है MACD डाइवर्जेंट स्ट्रेटेजी, आप बोल सकते हो उसके हिसाब से ACC स्टॉक का नाम है, जो अपने संडे को भी दिया था लेकिन स्टॉक नीचे ही चला गया इसीलिए कॉल एक्टिव हुआ था। अभी आप बोलोगे कि MACD डाइवर्जेंट स्ट्रेटेजी क्या है, तो उसका भी अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आई बटन पे उसका भी लिंक दे दूंगा, जाके देख सकते हो, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, आपको टॉप और बॉटम कैसे पकड़ने वो इजीली समझ में आ जाएगा इस स्ट्रेटेजी से। तो 2 घंटे की कैंडल के ऊपर स्टॉक का नाम यहाँ पे देख सकते हो, ACC स्टॉक का नाम है। तो MACD यानी कि MACD मैंने लगा के रखा है, तो आपको यहाँ से देखो MACD पॉजिटिव हो गया है, क्लियर आपको दिख रहा है पॉजिटिव। और यहाँ पे देखोगे तो MACD जब भी पॉजिटिव है तब स्टॉक क्या कर रहा है, नया लो मार रहा है। इसका प्रीवियस ए वाला जो लो था और आज का लो देखोगे तो नया लो है, लेकिन MACD अभी भी पॉजिटिव है, तो वो अच्छा साइन है कि स्टॉक में पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोल सकते हो, क्योंकि MACD ऊपर जा रहा है और स्टॉक नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्सल आने के बहुत हाई चांस बढ़ जाते हैं। तो वो वीडियो देखोगे तो आपको सारे बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है। तो अभी 2313 के आसपास ACC चल रहा है, तो आपको इसमें पोजीशन बनानी है, 2340 के ऊपर जाएगा तभी पोजीशन बनानी है, 2290 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 2450 के टारगेट, 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन ये जो लेवल दिख रहा है उसके ऊपर स्टॉक जाना चाहिए पहले, तभी स्टॉक में बहुत अच्छी रैली ऊपर की साइड आ सकती है। ये आपका फाइनल स्टॉप लॉस हो जाएगा 2290 का, क्योंकि स्टॉक देखोगे तो नीचे जा रहा है और इंडिकेटर पॉजिटिव ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से ऊपर की साइड, और ये जो भी पैटर्न है आप इसको बोल सकते हो फॉलिंग वेज पैटर्न भी बोल सकते हो, उसका भी ब्रेकआउट आ सकता है, तो बहुत हाई चांस है कि आपको यहाँ पे ये स्टॉक बॉटम से मिल जाए और स्टॉक में ऊपर का साइड अच्छा रिवर्सल आ सकता है। तो गाइज मैंने आपको टोटल 4 स्टॉक बताया, डाबर जिसमें रिवर्सल का वेट करना है, सेल में भी रिवर्सल का वेट करना है,
फिनो पेमेंट बैंक में भी रिवर्सल का वेट करना है और ईसीसी में भी रिवर्सल का वेट करना है। तो चारों स्टॉक में रिवर्सल का वेट करना है, चारों स्टॉक एक साथ एक्टिव होंगे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मे बी उसमें से जो भी पहले एक्टिव हो जाए वहाँ पर आप पोजिशन बना सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में इतने ही था, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। गाइस थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।